भारतवासियों, मैं सांगली महाराष्ट्र से यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निकेत शाह आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये कोविड-19 में अपन सब लॉकडाउन हो गए हैं, तो इस लॉकडाउन में क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। एक तो ये लॉकडाउन में सबसे पहले अपने को फैमिली के लिए टाइम मिला है, तो इस टाइम का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने फैमिली वालों के साथ आप रह रहे हैं तो बच्चों से भरपूर खेलिए, उनको नई चीज़ें सिखाइए, उनसे आप नई चीज़ें सीखिए, ये आपको आगे जाके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दिन भर में कम से कम 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दिन में 40 मिनट एक्सरसाइज करना और वो एक्सरसाइज से पसीना छूटना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर पे बैठे बैठे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को बुलावा दे सकते हैं। तीसरा, जब भी अभी लॉकडाउन में जंक फूड नसीब से सब बंद है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जो भी घर पे अच्छा पक रहा है, जो भी फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं, उनका अच्छे से सेवन कीजिए, उससे आपकी अच्छी हेल्थ हमेशा बनी रहेगी। फिर दिन भर में खाली टाइम में अच्छा म्यूज़िक सुनिए, आपकी कुछ पुरानी बातें आपको जो करनी आप चाहते थे और आपको जिसके लिए टाइम नहीं मिला, इसके लिए आपको अभी टाइम मिल गया है। जो भी आपको करना पसंद है वो ज़रूर कीजिए, उसमें अपना टाइम व्यतीत कीजिए, आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। फिर मैं मेरे यूरोलॉजी दोस्तों के लिए और कुछ अलग से टिप्स बोलूँगा। एक्सरसाइज में हर तरह का एक्सरसाइज यूरोलॉजी के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसमें प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार, आप घर पे बैठे बैठे जिम एक्सरसाइजेस कुछ भी कर सकते हैं, उससे आपके जनरल हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। फिर अभी ये समर सीज़न चालू हो गया है और इसमें कितना पानी पीना है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों को एक बार समझा दूं कि इस गर्मी के सीज़न में आपको कम से कम इतना पानी पीना है कि आपका पेशाब हमेशा सफ़ेद रहे, हमेशा पानी की तरह दिखना चाहिए। तो कम से कम अंदाज अगर आप बांधेंगे तो 3-3.5 लीटर तक पानी दिन भर में जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कैसे करें, तो मेरे हिसाब से आप एक वाटर अलार्म सेट कीजिए और जब भी वो अलार्म बजे तो घर के सब लोग अपने अपने हिसाब से पानी पी लीजिए, तो पानी आपके शरीर में कभी भी कम नहीं होगा और इससे यूरोलॉजी से जुड़ी हुई बीमारियां आपको कम से कम सताएंगी। तो पानी हर घंटे धीरे धीरे ठीक से पीना है और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ में अगर आपको यूरोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम हो और आप पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो मास्क बांध के सब प्रिकॉशन ले के आप अपने नज़दीक के यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिले, ट्रीटमेंट ले, क्योंकि ये बीमारी में जल्दी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन की वजह से ज़रूरत की चीज़ें जैसे आम लोगों को नहीं मिल पाती है, वैसे कभी कभी डॉक्टरों को भी ज़रूरत की चीज़ें जल्दी नहीं मिलती है और इमरजेंसी में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मेरी आप सबसे यही सलाह है कि हेल्दी रहें, प्रॉब्लम रहा तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इन टाइम कंसल्ट करें और ख़ुद का ध्यान ज़रूर रखें, ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।